में स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन उसकी कोई समस्या उसमें समाधान नहीं होती है। मेरी समस्या मैंने मेरे गांव की कोई समस्या का समाधान नहीं होती। महिलाओं के साथ बहुत बहुत ही माने कोई तरह की घटना घट जाती है। प्रसव अवस्था में वह अस्पताल न होने के कारण पहुँचते सदर अस्पताल पहुँचते पहुँचते ही रास्ते में ही इस तरह की घटना हो जाती है, जो बहुत दुखद होती है। तो ये सुने हैं कि ये डिलीवरी सेंटर भी है? हाँ, ये डिलीवरी सेंटर भी है। अच्छा। यहाँ तो 24 घंटा खुला रहना चाहिए, लेकिन यहाँ तो समझिए कि सालों से खुल ही नहीं रही है। हवा लागे तो बोलो जो मारे हाथ पानी उनी सब चढ़ल सीतामढ़ी में मर ले मतलब यहाँ से ले जाए में मतलब कि और बेहालत हो गए बेहालत हो गए हॉस्पिटल में हॉस्पिटल में से फिर दूसरा हॉस्पिटल में अल आगा में सरकारी से आगा में न इमरजेंसी कोई वही में अलग प्रांत। बिहार राज्य के सीतामढ़ी जिला प्रखंड रीगा पंचायत सिरौली द्वितीय गांव रामनगरा यहाँ करीब 11,000 की आबादी है, जहाँ एक उप स्वास्थ्य केंद्र है और यह उप स्वास्थ्य केंद्र डिलीवरी सेंटर में भी चयनित है, जहाँ डिलीवरी के समय महिलाओं को 24 घंटा की सेवा देना है। लेकिन यह उप स्वास्थ्य केंद्र करीब 10 साल से बंद पड़ा है और यहाँ डॉक्टर या नर्स नहीं आते हैं। तो आपके नज़र में कितना घटना हुई होंगी लगभग आपकी जानकारी एवल में? महिलाओं के साथ मेरे नज़र में 1-2 ऐसा घटना घटी जो हॉस्पिटल पहुंचते समय डिलीवरी हो गई और रास्ते में ब्लडिंग हुई और डेथ कर गई। ठीक है, अभी आप लोग क्या चाहती हैं? सेवी सहायिका है तो क्या चाहती हैं आप? हम यही चाहते हैं कि वो जो हॉस्पिटल है उसको खोला जाए, उसको चालू किया जाए, उसमें हम लोगों को भी सुविधा मिले। मतलब आपके साथ सभी गांव की औरतों को महिलाओं को बच्चे को सबको मतलब कि सुविधा मिले दवा मिले वगैरह, उसका सही उपचार हो, हम लोग रास्ते में परेशानी जो झेलते हैं वो ना झेलना पड़े। मैं वीडियो देखने वाले सारे दर्शकों से अनुरोध करती हूँ कि वह जिला स्वास्थ्य प्रभारी को इस नंबर पर फोन करें, जो नंबर है 9470003747। इस नंबर पर फोन करके इस उप स्वास्थ्य केंद्र के खुलवाने में मेरी मदद करें। मैं गुड्डी, जिला सीतामढ़ी, बिहार, इंडिया अनहट के लिए।